दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों भूल और मनुष्य, इनके बीच का संबंध बहुत गहरा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पक्षी और उसके पंख नदी और उसकी धारा है। अगर वास्तव में भूल मनुष्य के स्वभाव का एक बहुत बड़ा अंग है तो फिर इस पर लज्जा क्यों? दोस्तों सच कहूँ तो भूल के बाद ही मनुष्य को एक सबसे बड़ा कारण मिलता है सर्वोत्तम बनने का, क्योंकि उसके बाद उसको एहसास होता है कि हमें उस कामों को किस तरीके से और बेहतर बनाना है ताकि वो अपना अच्छे से अच्छा परिणाम दे सके। फिर भी आप में से बहुत से लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, फिर भी आप में से बहुतों का नजरिया मेरे नजरिए से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि भूल से दोष उत्पन्न होता है, दोष से अपराध और अपराध के लिए दंड दिया जाना चाहिए। बात तो सही है, क्या आपको पता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह है कि भूल को अस्वीकार कर देना। बहुत से लोग भूल करने के बाद में मानते ही नहीं कि उन्होंने भूल की है, और जीवन में इसलिए ना वो तरक्की कर पाते हैं और वही चीज़ उनके लिए दोष बन जाती है, और दोष अपराध, और बाद में उनको उस अपराध के लिए दंड मिल ही जाता है। स्मरण रखिएगा, सबसे बड़ा अपराध भूल करना नहीं, सही समय पर भूल को स्वीकारना नहीं होता दोस्तों। सो इसलिए जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है और जिंदगी में वास्तव में आपको कुछ कर दिखाना है और आपको अनुभव पैदा करना है तो अपनी भूल को स्वीकारिए, उसकी गलतियों को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। आप देखेंगे जीवन में आपसे ज़्यादा कोई अनुभव ही नहीं होगा। सो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो मेरे YouTube चैनल में देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी सुझाव या कुछ भी कमेंट करने हैं तो नीचे के कमेंट बॉक्स पर आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।